आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स, हिमालया, एंडीज, रॉकी, और हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, एल्प्स हो गए। तो जो एल्प्स है वो यूरोप के, हिमालय एशिया का, एंडीज हो गया साउथ अमेरिका का, और रॉकीज हो गए नॉर्थ अमेरिका। हर कॉन्टिनेंट में एक है। तो ये जो ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ये दो प्लेट के कन्वर्जन से बनते हैं। अब जैसे हिमालय है वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, जो एल्प्स हैं वो भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, लेकिन जो एंडीज है या रॉकीज है वो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जन से बना है। तो ये जो प्लेट जहाँ पे टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, वहां पे एक प्लेट नीचे दूसरी प्लेट के दबने लगती है, कंज्यूमिंग होने लगती है, कंजम्पशन होने लगता है, कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन बोल सकते हैं, एक्रीटिंग प्लेट मार्जिन, कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन, कंजर्विंग प्लेट मार्जिन, इंट्रा प्लेट जोन। तो कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन होगा। एक्रीटिंग का मतलब क्या होता है ये देख लिया जाए, गलत तो है, लेकिन एक्रीशन का मतलब होता है ग्रोथ, इंक्रीज करना। एग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना। तो ग्रो तो नहीं करती है, कंज्यूम होती है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रॉक? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, नन ऑफ दीज। तो देखो ऐसा है कि अर्थ के नीचे से जो अर्थ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे जो सबसे पहले रॉक बनती है वॉल्केनिक इरप्शन से और ओशियानिक रिजेस पे, वो इग्नियस रॉक होती है। तो इग्नियस जो होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, और इनमें खास बात यह है कि इन इग्नियस रॉक में कोई ऑर्गेनिक रिमेन्स नहीं होता है। जब वो मेटामॉर्फिक और वो सेडिमेंट्री बनते हैं तब उनमें ऑर्गेनिक रिमेन्स आते हैं, तब वो नॉन क्रिस्टलाइन भी बनती है। ग्रेनाइट हो गया, इग्नियस रॉक ही है, नाइस हो गया, तो गैब्रो हो गया, आई थिंक बेसॉल्ट हो गया, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसॉल्ट, ये सब इग्नियस रॉक है। ये मैग्मा से बनती हैं और ये रॉक साइकिल स्टार्ट करती हैं, फिर इग्नियस, फिर मेटामॉर्फिक, फिर सेडिमेंट्री। तो जो वोल्केनिक इरप्शन से जो सबसे पहली रॉक बनती है वो इग्नियस होती है, वो प्राइमरी रॉक है। उसके बाद मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, सेकेंडरी और टर्शरी रॉक बोल सकते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, नाइस, ये सब इग्नियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक? ग्रेनाइट इग्नियस है, बेसाल्ट इग्नियस है, कंग्लोमरेट सेडिमेंट्री होता है। कंग्लोमरेशन का मतलब ही होता है कोर्स ग्रेन राउंडेड फ्रेगमेंट्स सिलिका के सीमेंटिंग मैट्रिक्स में। सिलिका मतलब मिट्टी, कंग्लोमरेशन, तो कंग्लोमरेशन मतलब मोटे बड़े छोटे सब एक साथ एक लंप टाइप का बन जाए, तो उसे कंग्लोमरेशन बोलते हैं रॉक्स का। कंग्लोमरेशन रॉक सेडिमेंट्री ऐसी दिखाई देगी, कुछ कंग्लोमरेट रॉक, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल है सिलिका का जिसमें ये आ गए हैं, तो ये कंग्लोमरेट एक सेडिमेंट्री रॉक है। आई थिंक मुझे इसके बारे में लिख लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए कहीं पे। ये रहा, कहाँ पे स्टोर करूँ? जियोलॉजी करके मैंने एक बनाया तो है, यही कर लेता हूँ, जियोलॉजी में कर लेता हूँ भाई फिर तो। छन्ना मेरे मेरे सुनिया, हम्म,
कंग्लोमेरेट। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। क्वार्ज़ाइट इज मेटामॉर्फोस, तो क्वार्ज़ाइट तो नाम से लग रहा है क्वार्ट्ज से बना होगा। क्वार्ट्ज एक इग्नियस रॉक है और क्वार्ट्ज से बनता है क्वार्ट्जाइट जब उसमें हीट प्रेशर और केमिकल एक्टिविटीज लगाते हैं। क्वार्ट से बनता है क्वार्टजाइट, तो मेटामॉर्फिक रॉक है और ये बनता है सी क्वार्ट्ज यानी कि सिलिका यानी कि सैंडस्टोन से। तो क्वार्टजाइट बनता है सैंडस्टोन से, तो सैंडस्टोन टू क्वार्टजाइट। सैंडस्टोन तो फिर सेडिमेंट्री हो गया। देखो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस से भी बन सकते हैं, सेडिमेंट्री से भी बन सकते हैं। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट कैसे बनता है ये हम लोग देख सकते हैं। सैंडस्टोन से क्वार्ट जाइट, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट। ये बगल में रखा है सैंडस्टोन और उसके बगल में रखा है क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट ये कर सकते हैं। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बना मेटामॉर्फिक रिएक्शन से, छोटा कर लेते हैं, साइज पे जाते हैं, 15 कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सैंड स्टोन सेडिमेंट्री है, क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक है। अगला ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एग्जाम्पल हो भाई। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जर्मनी में राइन वैली में फॉल्ट है। कौन सा फॉल्ट है? तो ऐसे फॉल्ट को बोलते हैं जहां पे मतलब रिफ्ट पैदा हो रहा हो, रिफ्ट है और राइन वैली रिफ्ट जोन बोलते हैं उसको। तो ब्लैक फॉरेस्ट जहां पे रिफ्ट जोन होते हैं वहां पे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। तो आई थिंक ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन तो है और ये फोर्सेस कमिंग विद इन होते तो टेंशन कंप्रेशन ऑब्वियसली। फॉरेस्ट माउंटेन साउथ वेस्ट जर्मनी एंड वोस्गेज इन फ्रांस एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। बार बार ये पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी ब्लॉक माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक जैसा तो कुछ नहीं लग रहा इसमें। अच्छा, जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर पे है ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड के ट्रिपल बॉर्डर पे है। राइन वैली में बोल रहा हूँ, बार बार डेनूब दिख रही है, लेक कॉन्स्टेंसिया, डेनूब, राइन तो दिख भी नहीं रही है इधर। इसको तो मुझे यूरोप में दिखाना ही पड़ेगा। जिक्र यूरोप में जाना पड़ेगा भैया, यूरोप में जाओ, फिजिकल जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, भैया दिखाओ। यहाँ दिखाते हैं, दो हजार बीस का जो एग्जाम है अभी तक 2018 और 2019 का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें तो सीटें कम है 200, जो 1000 लोग मीन्स फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं 2018 में, 2019 मिलेंगे करीब 800-900 लोग, तो ये सब भी तो बैठेंगे क्योंकि इनका तो रिजल्ट ही नहीं आया है। 2020 तो ये सबसे टफ होना है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ये कौन सा माउंटेन है?
ये है ब्लॉक माउंटेन। ये क्या ब्लॉक्स आउट होगा? ब्लैक ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक फॉरेस्ट इन जर्मनी, वोसेजेस इन फ्रांस। ये वोसेजेस तो आई थिंक बॉर्डर पे ही है। ये देखिए, नहीं, फेसबर लिखा हुआ है। जर्मनी और फ्रांस में मिलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और कोई ब्लॉक माउंटेन लोकल लेजेंड? द फॉरेस्ट इज टोल्ड टू बी इनहेबिटेड ब्लैक फॉरेस्ट, मिथिकल क्रिएचर, विचेस, फेरीज, वेयरवुल्व्स, गॉब्लिंस, डॉर्व्स, व्हिच कुड इजीली बी बिलीव्ड बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस मैजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल एरिया। वोल्केनिक फॉल्ट ब्लॉक। जब भी ब्लॉक माउंटेन बनते हैं तो नीचे एक वैली टाइप की बन जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, होस्ट एंड ग्रेबन। उठ जाता है जो पार्ट, उसे होस्ट बोलते हैं। जो नीचे चला जाता है उसे ग्रेबन बोलते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट होस्ट होगा, नीचे बगल में ग्रेबन होगा। अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास ड्यू टू फॉल्टिंग दिस जोन इज ऑफ फ्लैट टॉप। ब्लैक फॉरेस्ट एंड वर्सेस ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इट। ब्लॉक माउंटेन, सिंस ब्लॉक माउंटेन मुझे इम्पोर्टेंट फीचर लग रहा है जानने के लिए, तो आई थिंक मुझे स्टोर भी लेना चाहिए। वर्डन सी भी जर्मनी और मिनी के पास ही है। अच्छा, ये मैं ये जानना चाहता था कि ब्लैक फॉरेस्ट से, माउंटेन से कोई रिवर निकलती है? क्योंकि माउंटेन्स है तो रिवर्स निकलती है माउंटेन से। ब्लैक फॉरेस्ट के खुल गया, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट इज ए लार्ज फॉरेस्टेड माउंटेन रेंज इन साउथ वेस्ट जर्मनी। इट इज बाउंड बाई राइन वैली। सही बात है, राइन वैली का ही है। इट इज बाउंड बाई राइन वैली टू द वेस्ट एंड साउथ। इज हाइस्ट पर पीक इज फेल्डबर्ग, और माइनिंग यहाँ पे काफी होती रही है। ब्लैक फॉरेस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम हाई राइन इन द साउथ टू द क्रॉसगो इन द नॉर्थ। द वेस्ट इट इज बाउंड बाई अपर राइन प्लेन। राइन के बारे में पता करना पड़ेगा, राइन निकलती कहाँ से है। राइन इज वन ऑफ द मेजर यूरोपियन रिवर विच इज सोर्सेज इन स्विट्जरलैंड एंड फ्लोज इन मोस्टली नॉर्थली डायरेक्शन थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स इम्पिटिंग इन टू द नॉर्थ सी। रिवर बिगन्स इन द स्विस कंटोन ऑफ ग्रेबंडेन इन द साउथ स्विस एल्प्स, साउथ ईस्टर्न स्विस एल्प्स। फ्रेंको जर्मन बॉर्डर होते हुए चलती आती है जर्मन राइनलैंड। लार्जेस्ट सिटी ऑन द राइन इज कोलोन जर्मनी, एंड इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप आफ्टर द डेन्यूब। और सिटीज हैं इसके ऊपर कोलोन, रोटरडम, स्ट्रॉसबर्ग, बैसेल। राइन का एक बार मुझे मैप देखना पड़ेगा। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट रीजन कहाँ है? स्विट्जरलैंड ये है। आई थिंक राइन ब्लैक फॉरेस्ट से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ये बोलना तो गलत है कि राइन ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। राइन हो सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट को तोड़ते हुए निकलती हो और नॉर्थ सी में चली जाती हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि राइन ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, राइन ब्लैक फॉरेस्ट से पहले से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स? फॉसिल्स वहां मिलेंगे जहां पे रॉक की वेदरिंग हुई हो, क्योंकि तो फॉसिल्स होते हैं एनिमल और प्लांट्स के रिमेन्स, डेड एनिमल और प्लांट्स के रिमेन्स। तो
तो ये रिमेन तो तभी होंगे ना जब उस पर गिरेंगे तो उसकी वेदरिंग हो जाएगी। तो ये इग्नियस रॉक में नहीं मिलेंगे, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री में मिल सकते हैं। कंग्लोमेरेट सेडिमेंट्री है, इट मे हैव फॉसिल। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है, इसमें भी फॉसिल हो सकते हैं। सेल की जो रॉक होती है, सेल SHAL सेल रॉक, ये भी सेडिमेंट्री है। ग्रेनाइट गैब्रो बेसॉल्ट, ये इग्नियस रॉक होती है, तो ग्रेनाइट में नहीं होगा, फॉसिल हो, बाकी सब में हो सकता है। फॉसिल्स आर फाउंड ओनली इन द सेडिमेंटरी रॉक और द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है तो इसमें फॉसिल नहीं होंगे, तो ये मैं सही बोल रहा था। लाइम स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइम स्टोन आई थिंक एग्जाम्पल है सेडिमेंटरी रॉक का। लाइम स्टोन, सैंड स्टोन सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं। द ड्रिप स्टोन्स आर फाउंड इन, ड्रिप स्टोन्स जो होते हैं वो लाइम स्टोन कैवर्न्स में मिलते हैं। अभी ड्रिप स्टोन क्या होते हैं? ड्रिप स्टोन वो होगी जहाँ से ड्रिप होता रहेगा, पानी गिरता रहेगा, और ये मिलेंगे लाइम स्टोन के कैवर्न में, मतलब एक गुफा होगी लाइम स्टोन की, यहाँ ये ड्रिप स्टोन्स है, ड्रिप कर रहा है, तो ये लाइम स्टोन की गुफा होगी, कैवर्न होगी, और इसमें ये ऐसे पत्थर ड्रिप कर रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पे ऐसे इनकी प्रोफाइल ऐसी बना देता है। वाटर यहाँ पे एक्चुअली वेदरिंग करता है, फिजिकल वेदरिंग करता है, और वाटर की वेदरिंग कर करके इस टाइप के फॉर्म बना देता है, अजीब गरीब टाइप के। वाटर जाती है सैंड स्टोन को घोलती हुई निकल जाती है, डिजोल्व कर लेती है सैंड स्टोन को अपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स के। न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टसरी माउंटेन्स, ठीक है, दे आर मेनली फॉर्म्ड अलॉन्ग द कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म मार्जिन। भाई फोल्डेड माउंटेन्स तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे बनते ही। न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टसरी माउंटेन्स, ऑल द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स वर ओरिजिनेटेड बिफोर टसरी पीरियड। न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, टसरी माउंटेन्स, द फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ कैलिडोनियन हेरे साइनियन माउंटेन्स बिल्डिंग पीरियड कम अंडर दिस कैटेगरी। दीज माउंटेन्स हैव बीन सो ग्रेटली डिनोडेड, दे हैव नाउ बिकम रेली फोल्डेड माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल अरावली और विंध्याचल का बहुत ज्यादा डेनोडेशन हुआ है। डेनोडेशन का मतलब अपर लेयर उनकी डेनूड न्यूड हो गई है पूरी, अरावली और विंध्याचल, ये डेनोडेशन हुआ है ये भी। यहाँ अरावली और विंध्याचल बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं और इनका डेनोडेशन हुआ है। द अल्पाइन फोल्डेड माउंटेन ऑफ टर्सी पीरियड, वो नए फोल्डेड माउंटेन है, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज न्यू फोल्डेड है, और अरावली और विंध्याचल ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, उनका डेनोडेशन हो गया, इनका डेनोडेशन हो रहा है अभी, उतना नहीं हुआ इसलिए ऊंचे ही ज्यादा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बेसॉल्ट, अच्छा बेसॉल्ट का जब भी मेटामॉर्फिक वर्जन होगा तो क्या बनेगा? कोल, लाइम स्टोन, सेल। कोल, से तो मुझे लग रहा है डायमंड बनेगा। कोल को अगर मेटामॉर्फिक प्रोसेस ले जाएंगे तो डायमंड बनेगा, क्योंकि डायमंड भी कार्बन होती है, कोल भी कार्बन होता है। बेसॉल्ट से लाइम स्टोन से मार्बल बनेगा, सेल से और बेसॉल्ट से बचा स्लेट और सिस्ट। सिस्ट बनता है बेसॉल्ट से, अच्छा बेसॉल्ट टू सिस्ट देखना पड़ेगा, बेसॉल्ट टू सिस्ट, बेसॉल्ट से सिस्ट बनता है, बीच में ग्रीन स्टोन भी बन सकता है, ये मुझे जियोलॉजी वाले में डालना पड़ेगा। बेसॉल्ट से सिस्ट बनने का प्रोसेस पता है मुझको, बेसॉल्ट से सिस्ट बनता है, किसमें कंफ्यूजन नहीं था, कोल से डायमंड में कोई कंफ्यूजन नहीं था मुझे, मुझे लाइम स्टोन से मार्बल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। डायमंड इज द
मेटामॉर्फिक वर्जन ऑफ कोल, मार्बल, लाइमस्टोन, सेल से स्लेट बनना, ये है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं है, बस याद नहीं है। सेल से स्लेट, सेल टू स्लेट, सेल ऐसी होती, स्लेट थोड़ी बिल्कुल दब से आती है और प्लेन टाइप का बना लेती है। सेल से स्लेट, सेल से स्लेट, सेल से बन गई स्लेट। तो अच्छा, सेल से स्लेट और फाइलाइट और माइका एक ही टाइप, नाइस भी बन सकती है, नाइस तो इंग्लिश है। हाउ आर सेल एंड स्लेट कनेक्टेड? द सेडिमेंटरी रॉक सेल इज चेंज इन टू द मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट बाई हीट एंड प्रेशर। और क्या बचा? मार्बल, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से मार्बल, देख ही लेते हैं। इंडिया में तो भाई लाइमस्टोन और मार्बल का बड़ा छत, तो बड़ा हिसाब किताब है। लाइमस्टोन से मार्बल, लाइमस्टोन से मार्बल हीट से होता है, इसलिए राजस्थान में हीट ज्यादा है, और प्रेशर से भी होता होगा, लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उसका। लाइमस्टोन बिकम्स मार्बल, वैसे देखता हूँ। अच्छा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल। सैंडस्टोन में छोटे छोटे हैं, मार्बल ज्यादा क्लीन है। ये क्या है? मार्बल की रॉक्स हैं आई थिंक। लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट। चलिए क्लियर हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो सेडिमेंटरी बेसिस में मिलेगा। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मेटेलिक मिनरल्स। मेटल्स किसमें मिलते हैं? इग्नियस रॉक्स आर नॉट फॉसिफरस, फॉसिल्स। इग्नियस रॉक कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन नेचुरल गैस, ये तो नहीं होगा। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मेटलिक मिनरल्स, ये देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स रिच इन मेटल्स, ये सही है कि नहीं? बेसिक रॉक्स सच एज गैब्रो बेसाल्ट और पुअर इन सिलिका एंड कंटेन्स द मिनरल ओलिविन, पायरोक्सिन, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्स। दे आर ऑल्सो रिच इन मेटल्स, मैग्नीशियम एंड आयरन, एंड दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज मैफिक। तो इग्नियस रॉक्स मैफिक हो सकती हैं, मतलब उनमें मैग्नीशियम और आयरन मिल सकता है। मेटल्स अकर इन ऑल काइंड ऑफ रॉक्स। मेटल ऐसा नहीं है कि कोई इग्नियस रॉक में, सेडिमेंटरी रॉक में ज्यादा हो, मेटल हर टाइप के रॉक में हो सकता है। मेटलिक ओर्स अकर इन एवरी काइंड ऑफ रॉक एंड सम वेराइटीज ऑफ सॉइल। मैग्मेटिक डिपॉजिट्स में होता है, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स में होता है, हाइड्रोथर्मल
हाइड्रोथर्मल वेन्स में होता है, पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट में होता है, हॉट स्प्रिंग डिपॉजिट में है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स में है, सी फ्लोर पे प्रेशर डिपॉजिट्स, तो ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्स? फ्रेश वाटर, कोल, फिश, पेट्रोलियम। तो कोल फॉसिल से है, फिश बायोटिक है, पेट्रोलियम भी बायोटिक है, फ्रेश वाटर बायोटिक नहीं बोलेंगे। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फेयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक। वाटर में कोई लाइफ नहीं है, कोल, पेट्रोलियम, फिश ये सब लाइफ वाले एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स जो है वो सब बायोटिक रिसोर्स एंड दे आर डिराइव फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स? ब्लू माउंटेन्स मिजोरम में है आई थिंक। तो मिजोरम में क्या मिलते हैं? लंबाडा, गोंड, टोडा, जरावा, इनमें से तो कुछ नहीं मिलते भाई। लंबाडा आंध्र प्रदेश में है, गोंड मध्य प्रदेश के हैं, टोडा तमिलनाडु के हैं, जरावा होंगे आंध्रा के हैं। ब्लू माउंटेन्स कहाँ है भाई? टोडा पीपल और स्मॉल पेस्टोरल कम्युनिटी आइसोलेटेड नीलगिरी प्लेटू टू सदर्न इंडिया, डी आंसर इन्होंने टोडा दे रखा है, कैसे पता नहीं। टोडा को एग्जिस्टेड विद कोटा, बडागु एंड कुरबा ने लूज कास्ट लाइक सोसाइटी इन विच द टोडा वाज द टॉप रैंकिंग। अरे ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी टोडा पॉपुलेशन हैज कवर्ड इन द रेंज 700 to 900, ऑल्दो इन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी टोडा हैव अट्रैक्टेड ए मोस्ट disproportionate amount of attention because of their ethnological aberrancy and their unlikeliness to their neighbors in appearance, manners and customs. अच्छा, टोडास के बारे में थोड़ा सा और पता करते हैं। टोडास पीपल द्रविड़ियन हैं, नीलगिरी माउंटेन्स में रहते हैं। टोडाज कोडा कोटा बडगा एंड कुरुम्बा के जैसे हैं, बहुत कम रह गए हैं, इनकी टोटल पॉपुलेशन ही 2000 है। मंड जैसे घरों में रहते हैं, देखी बफेलो और डेयरी प्रोडक्ट्स, बुफेलो बीज इनका रिलीजन है, डेयरी प्रोडक्ट्स, रिचुअल्स आर परफॉर्म फॉर ऑल डेयरी एक्टिविटीज, डेयरी मैन टाइप के मतलब ज्यादा वहाँ हैं एक तरीके से। रिलीजियस एंड फ्यूनरी राइट्स प्रोवाइड द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स ऑन अबाउट द कल्ट ऑफ बुफेलो। भाई बुफेलो कल्ट है टोडा का, टोडा का बुफेलो कल्ट, क्या कनेक्शन है। टोडा बुफेलो, टोडा ट्रेडिशन, तमिलनाडु, तमिलनाडु, टोडा बफेलो कल्ट, और क्या भाई? पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, अच्छा टोडा में पॉलीएंड्री तो बड़ा खराब बात है, पॉली चाइनी सुनी थी। पॉलीएंड्री बहुत कम जगह पे ही है, टोडा में है। वन वाइफ सेवरल हस्बैंड, अच्छा ये हो सकता है।
टुडे है, टुडे नहीं लग रही, ये हो सकते हैं। ये ओरिजिनल टूटा फोटो है, ये लिख लेते हैं पॉली एंट्री टूटा। ये खास बात है इनकी। ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन, अच्छा एफोरेस्टेशन लगाना है, इनका लैंड लॉस्ट हो गया। बट डिफॉरेस्टेशन से लैंड जाना सुना था, डिफॉरेस्टेशन से नहीं जाता है। टोडा की जमीन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। टोडा डोगल्स और ऐसे घर बना के रहते हैं, ये भी खतरनाक चीज है। विच ट्राइब लिव्स इन हाउसेस नोन एज डोगल्स, तो आंसर होगा टोडा। क्लॉथिंग सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ रैप करके पहन लेते हैं। डेरी वर्क पॉलिएंड्री है। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी है। हाउसेस को मुंडा बोलते हैं। टोडा हार्ट्स कॉल्ड डोंगल्स डॉगल्स। फूड वेजिटेरियन है। रिलीजन ऊटी के पास। हिंदुइज्म भी मानते हैं। टोडा एक प्रोटो साउथ डिविडियन लैंग्वेज है। उनकी डिस्टिंक्ट लेवल स्टाइल चली गई है, कंक्रीट के घर में रहते हैं। ये आइडलाइज वर्जन है। चलो अगला। खासी लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन। खासी आई थिंक ऑस्ट्रो एशियाटिक होनी चाहिए। मुंडा तो नहीं है, मून खमीर भी नहीं है। नहीं, नॉर्थ असम ऑफ साइनो तिब्बतन है तो गारो खासी जयंती मेघालय, तो साइनो तिब्बतन हो सकती थी, लेकिन नहीं है ना साइनो तिब्बतन, है ही ऑस्ट्रो एशियाटिक। और उसमें भी खासी जो है वो पार्ट ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक, इट इज रिलेटेड टू कम्बोडियन एंड मोन लैंग्वेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द मुंडा ब्रांच ऑफ दैट फैमिली विच इज स्पोकन इन ईस्ट सेंट्रल। तो मुंडा लोगों की लैंग्वेज से कुछ कुछ मेल करता है। तो मुंडा लोगों की लैंग्वेज बताओ, कम्बोडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली है। ये ए मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा लैंग्वेजेस ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। ये सारी जो लैंग्वेज है
ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक का मतलब ही इधर साउथ ईस्ट एशिया वाली मून खमेर। खमेर तो हो गई कंबोडिया की, वियतनाम की मून है, और इधर खासी और मुंडा जो है वो निकोबारीज ऑस्ट्रो एशियाटिक है। एक ताई कढ़ाई भी है। ताई कढ़ाई लैंग्वेज और ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। मैप स्विंग प्रेजेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा खासी म्यांमार लाओस कंबोडिया लैंग्वेज ऐसे फैली। वियतनामीस वियतिक वियतनाम खमेर मतलब कम्बोडिया। संथाली भी मुंडा है, नारी भी मुंडा है, खमेर थाईलैंड हो मुंडा है, खासी मेघालय मून म्यांमार, कोरकू मुंडा। ये तो मुझको लिखना ही पड़ेगा, ये जाएगा साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमन जियोग्राफी में। ह्यूमन जियोग्राफी में लैंग्वेज भी आती है, लैंग्वेज के ग्रुप्स भी आते हैं। यहाँ पे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लैंग्वेज के बारे में, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये हो गया, ये सारी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का जो पुराना मैप भी देखना पड़ेगा समझने के लिए। मुंडा खासी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज साउथ ईस्ट एशिया का इंडिया के साथ कनेक्शन। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस। देखो भाई जानना सब कुछ पड़ेगा, बहुत कठिन है डगर पर हट की। चलो खासी लैंग्वेजेस पार्ट ऑफ मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये आया हुआ क्वेश्चन है क्या? नहीं। मीना माता डिजास्टर जापान, ये तो कौन नहीं जानता है कि मरकरी की वजह से हुआ था। मीना माता कुमा मातो जापान में मिथाइल मरकरी पानी में चली गई थी, मछलियों ने खाया, मछलियों ने इंसानों ने मछलियों को खाया, मरकरी जमा होने लगी बॉडी में। बायो एक्यूमुलेशन बी, इरिटेशन इन आईज इज कॉज बाय द पोल्यूटेंट, पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट पीएन इज यूबिकुटस एयर पॉल्यूटेंट जो नेट एनओएक्स से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ओजोन, फोटो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू आई इरिटेशन। फोटो केमिकल स्मॉग में जो आई इरिटेशन होता है वो पीएन की वजह से होता है, पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट। देख लेते हैं, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट
कुछ नहीं दिया है इसके बारे में ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस? विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस? पीट, नहीं, सांस, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एरोसोल, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन नहीं करता होगा यार, कार्बन मोनोऑक्साइड तो करते ही करता है। देयर नंबर ऑफ ट्रिगर्स टू अस्थमा अटैक दैट इंक्लूड डस्ट, स्मोक। अच्छा, जो स्मोक होता है यानी कि धुआं होता है वो अस्थमा अटैक को ट्रिगर कर देता है। पोलन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक, तो मुझे भी एक बार हुआ था अटैक इस टाइप का, तो वो ट्रिगर किसने किया होगा? वो स्मोक ने किया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। ट्रिगर्स, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ट्रिगर कर देता है अस्थमा। तो अगर मैं पावर प्लांट में काम करूंगा, थर्मल पावर प्लांट में, तो दोबारा अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। Which of the following pollutants is not emitted from the transport sector? Which of the following pollutants is not emitted from the transport sector? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ट्रांसपोर्ट से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो फ्रिजेस से, रेफ्रिजरेटर गैसेस हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट से एनओएक्स तो निकलता ही होगा, कार्बन भी, मोनोऑक्साइड भी निकलता होगा पूरी तरह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जल नहीं पाता होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी निकलते होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन वाले, ये रेफ्रिजरेशन से निकलते हैं। और एरोसोल में प्रोपेलेंट की तरह यूज होते हैं। ये एरोसोल क्या होते हैं? रेफ्रिजरेटर तो पता था, एरोसोल नहीं पता है। अच्छा, एरोसोल इन सब में यूज होते हैं। एंजाइम में, ठीक। और फोम, ब्लोइंग एजेंट इन फोम मैन्युफैक्चर एंड एयर कंडीशनिंग, फ्रिज और एसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल? ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, थर्मल, हाइड्रो। भाई सॉइल से एग्रीकल्चर कनेक्टेड है, थर्मल पावर प्लांट कनेक्टेड है, हाइड्रो पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो पावर प्लांट। मैं समझता था कि पोल्यूशन नहीं करता होगा, ट्रांसपोर्ट बोलना ही है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लैंड एंड सोलर, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, माइनिंग का वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है। वेस्ट तो बहुत कुछ होता है। अब इसमें हाइड्रो पावर प्लांट क्यों नहीं है? हाइड्रो पावर प्लांट भी पोल्यूशन करते हैं। पोल्यूशन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर पोल्यूशन। एक हाइड्रो पावर प्लांट कैसे कर सकता है? रिजर्वायर फॉर वाटर फॉर हाइड्रो पावर प्लांट रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो एयर पोल्यूशन होगा। हाइड्रो पावर फ्यूल इज नॉट बर्न सो देर इज मिनिमम पोल्यूशन। हाइड्रो पावर जनरेटर डू नॉट डायरेक्टली इमिट एयर पोल्यूटेंट्स।
हाइडलबावर्स डर्टी सीक्रेट रिवल, कंट्रीज विद लार्ज सरफेस एरिया ऑफ डैम्ड वाटर विल लूज आउट इफ ग्रीन हाउस गैस रूल चेंज. कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ हाइडल पावर प्लांट कैन सीरियसली डैमेज द क्लाइमेट. नई चीज पता चली, ग्रीन इमेज ऑफ हाइडल पावर इज ए बिनाइन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल इज फॉल्स. हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इन सम केसेस मोर ऑफ द ग्रीन हाउस देन पावर प्लांट रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स. कार्बन इमिशन वेरी फ्रॉम डैम टू डैम. ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ इमिशन फ्रॉम कुराना डैम इन पारा ब्राजील वर मोर देन 3.5 टाइम्स सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आयल. अभी क्यों है ऐसा, ये ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, बट चलो आगे बढ़ते हैं. द मेन प्रिकर्सर्स ऑफ विंटर स्मोक, N2N हाइड्रोकार्बन, NOXN हाइड्रोकार्बन, SO2N हाइड्रोकार्बन, SO2N ओजोन. लगने को तो सभी लग रहे हैं, बट स्मोक का जो मेन रीजन है वो NOX है. स्मोक का मेन रीजन SOX है. स्मॉग इज ए टाइप ऑफ काइंड ऑफ विजिबल एयर पोल्यूशन. हाइड्रोकार्बन SOX ओजोन स्मोक एंड ऑडिबल आल्सो लेस विजिबल पार्टिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इनके हिसाब से SO2 है स्मॉग. SOX देखना पड़ेगा यार, कि अभी कुछ दिन पहले मैंने किया था स्मॉग के बारे में, वो देखता हूँ. सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स में मैंने EVS के नोट्स बनाए थे, उसमें देखता हूँ मैं एयर पोल्यूशन में, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, लैप्स रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन या विंटर स्मोक. शायद विंटर स्मोक ही लिखा था ना, क्वेश्चन क्या था, मेन प्रिकॉशन ऑफ विंटर स्मॉग. तो विंटर स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग. विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल स्मॉग का तो ओजोन NOX पराक्सिस्टिल नाइट्रेट है, मैं सही कह रहा था, मेरे दिमाग में ये बैठा था फोटोकेमिकल स्मॉग. लेकिन जो विंटर स्मॉग है वो अलग है, फोटोकेमिकल स्मॉग अलग है. स्मॉग इंटेंस एयर पोल्यूशन को बोलते हैं, स्मोक और फॉग के. NOX ऐसे दोनों से होता है. दो टाइप के स्मॉग होते हैं, समर स्मॉग भी होता है, विंटर स्मॉग भी होता है. समर स्मॉग जो होता है वो फोटोकेमिकल होता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग इज द डोमिनेंट टाइप ऑफ स्मॉग होता है. विंटर मंथ में टेम्परेचर कोल्ड और एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन होता है, कोल अदर फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न होते हैं हीटिंग के लिए, लैक ऑफ पोल्यूटेंट डिस्पर्सन होता है तब बनता है. वेल फोटोकेमिकल स्मॉग इज द मेन स्मॉग फॉर्मेशन ड्यूरिंग समर मंथ. विंटर में भी स्मॉग होते हैं. प्राइमरी पोल्यूटेंट सच एन इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम कोल कम्बशन. सेकेंडरी ओजोन. फोटोकेमिकल स्मॉग का अलग मामला है. फोटोकेमिकल स्मॉग तो वही है NOX पराक्सिस्टिल नाइट्रेट वाला. दूसरा दिल्ली में जो होता है वो विंटर स्मॉग है, वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की वजह से होता है. PM2.5 अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला. स्टबल बर्निंग. दो टाइप के जो स्मॉग होते हैं, फोटो केमिकल
केमिकल वर्सेस विंटर स्मॉग। फोटो केमिकल स्मोक समर वाला है क्योंकि सनलाइट चाहिए होती है ना उसमें। विंटर में जो स्मॉग है वो इंडस्ट्रियल स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग समर में होता है। दोनों का नेचर अलग है। ये तो मुझे अब समझ में आया, इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा। समर में होता है फोटो केमिकल स्मॉग NOx वाला, विंटर में होता है इंडस्ट्रियल स्मॉग, इसमें आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी होता है और शायद SOx भी रहता होगा। जी है कहानी पूरी। और कुछ दिख जाए, विंटर स्मॉग इज कॉल्ड बाय टेम्परेचर इन्वर्जन्स इन हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सही बात है। SOx करता विंटर स्मॉग, NOx करता समर स्मॉग। कॉन्सेप्ट अब जाके मुझे थोड़ी सी क्लियर हो रही है। अब तक मैं समझता था स्मॉग एक ही टाइप का होता है। स्मॉग तो दो टाइप के होते हैं, समर स्मॉग होता है, विंटर स्मॉग होता है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, जागने में बहुत देर हो गई। बहुत बहुत बेस्ट तरीका क्वेश्चंस को करने का यही होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू का। अदरवाइज मैं तो स्मोक को एक ही टाइप का ही समझता रहता है। इनफैक्ट मेंस की तैयारी भी पी की तरह करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ये तो क्लियर ही नहीं होगा। आप तो हवा में बहते रहोगे तैयारी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात पता चली। समर स्मॉग और विंटर स्मॉग,